अच्छा आप जरा विचार करो एक विषय पर, भगवान का नाम हम जब भी लेते हैं कृष्ण का, तो आपने अनुभव किया होगा अधिकांश सभी श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, फिर जय श्री कृष्ण। अच्छा विचार किया क्यों, ये जो स्त्री है ना, ये श्री राधा स्वरूपा है, यानी कृष्ण बाद में पहले राधा, और राधा भी ऐसे नहीं, तो फिर जय श्री, जय किनकी, राधा जी की, और जब राधा जी की जय तभी श्री कृष्ण आएंगे, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जब तक राधा रानी की जय नहीं हो गई तो कृष्ण कन्हैया लाल आते ही नहीं। हाँ एक हमारे गुरु महाराज एक बड़ा सुंदर भाव सुनाते थे, गिरिराज जी में एक महात्मा जी परिक्रमा लगाने गए, उनका नित्य नियम वो परिक्रमा लगाते, और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं, इतनी बड़ी जटाएं कि वो जमीन में लहराती, बड़े मन से बड़े भाव से परिक्रमा लगा रहे थे। आधी परिक्रमा पूरी हो पाई, वो गोवर्धन की कटीली झाड़ियों में महात्मा जी की वो लटाएं उलझ गई। वैसे तो भाव ये होना चाहिए कि जटाएं यदि उलझ गई तो उनको सुलझाओ, परिक्रमा प्रारंभ करो, लेकिन नहीं, जैसी जटाएं उलझी महात्मा जी खड़े हो गए उधर, तो जो राह में निकलने वाले लोग वो बोले बाबा जी खड़े क्यों हो, वो बोले हमारी तो जटाएं उलझ गई इसलिए खड़े हैं। तो जो राह वाले थे वो कहते बाबा जी हम निकाल दें जटाएं, सुलझा दें, तो महात्मा जी नाराज होकर कहते तुमने उलझाई थी क्या, प्रेम से बोलो राधे राधे, वो कहे हमने तो नहीं उलझाई, तो फिर जाओ ना, जब तुमने नहीं उलझाई तो जिसने उलझाई वही सुलझाएगा आके। पूरा दिन हो गया वैसे ही खड़े, ना स्वयं सुलझावे ना किसी को सुलझाने देवे, ऐसे ही खड़े पूरा दिन हो गया। रात हो गई, भगवान को दया आई कि कोई साधु भूखा प्यासा खड़ा है और इंतजार कर रहा है जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। गोविंद प्रकट हो गए, भगवान बोले महात्मा जी तुम्हारी जटाएं सुलझाने आया हूं। अच्छा कौन हो तुम? अरे मैं कृष्ण हूं। महात्मा जी बोले कैसे माने कृष्ण हो, कोई झूठ मूठ का रूप बनाकर आ गए हो तो? भगवान बोले सच में मैं ही कृष्ण हूं। महात्मा जी बोले नहीं मानते, जब पक्के कृष्ण बनकर आओगे तभी जटाएं सुलझा पाओगे। और भगवान को उस दिन लगा कि मुझे भी अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं ही हूं। भगवान ने कहा बाबा जी कैसे मानोगे कि मैं कृष्ण हूं, बताओ क्या प्रमाण दूं? महात्मा जी ने कहा अगर राधा रानी आकर के कह दें कि तुम कृष्ण हो तो हम मान जाएंगे। भगवान ने बांसुरी बजा के राधा रानी को बुलाया। राधा रानी ने कहा महात्मा जी हाँ यही कृष्ण है, देखो मोरपंख और देखो कमर में बांसुरी, यही कृष्ण है, आप पहचान नहीं पाए इनको? महात्मा जी मुस्कुरा के बोले हम तो पहले ही पहचान गए थे। अच्छा तो फिर क्यों प्रमाण मांगा? बोले अगर प्रमाण नहीं मांगते तो मैया आपका भी दर्शन नहीं होता हमें, प्रेम से बोलो राधे राधे। और कृष्ण अकेले मिले उसमें पूर्णता नहीं है, जब राधा मिल जावे तभी राधा कृष्ण की पूर्णता है, कृष्ण अकेले बोले तो पूर्णता नहीं है, जब बोले जय श्री कृष्ण तभी तो पूर्णता है।